दोस्तों नमस्कार, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट की बात करें। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, 255.40 रुपया में स्टॉक प्राइस है, 9% की तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल का जो रिटर्न है वो भी 9 से 10% का है। कोल इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो PSU कंपनी है, कोयला खनन कंपनी है और कंपनी के द्वारा डिविडेंड अच्छा दिया जाता है। बहुत सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो में होगा तो हर तिमाही कोल इंडिया के द्वारा डिविडेंड दिया जाता है। तो स्टॉक प्राइस में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। 5 सितंबर 2023 को 255 में स्टॉक प्राइस है। दोस्तों कोल इंडिया के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। इसका जो साल का हाई है 263.40 रुपया है, लो है 207.60 रुपया। तो ये शेयर प्राइस का ट्रेंड है और आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है उसकी बात करेंगे। पिछले एक साल का क्या ट्रेंड रहा है शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करते हैं और इसके फाइनेंशियल नंबर की भी बात करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो PSU कंपनी है, कंपनी के द्वारा डिविडेंड अच्छा दिया जाता है। दोस्तों 255 में स्टॉक प्राइस है और सबसे पहले इसके नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो लास्ट क्वार्टर का जो रेवेन्यू था, टोटल इनकम था 37,521 करोड़ का था, 40,362 करोड़ का टोटल इनकम था Q4 में, एक साल पहले 36,086 करोड़ का था। कोल इंडिया का लास्ट क्वार्टर का जो टोटल इनकम था 37,521 करोड़ का था। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 7,941 करोड़ का प्रॉफिट था, 5,527 करोड़ का Q4 में था, एक साल पहले 8,834 करोड़ का था। कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है और प्रॉफिट भी देखिए 7,000 करोड़, 8,000 करोड़ इस तरह का प्रॉफिट रहता है। और टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करें तो 8,125 करोड़ का है और अर्निंग पर शेयर 12.93 का था। तो देखिए लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट था 7,941 करोड़ और टोटल इनकम 37,521 करोड़ का था। मार्केट कैप की बात करते हैं, फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो देखिए कंपनी प्रॉफिटेबल है, मार्केट कैप है 1,57,365 करोड़ का, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर है 92 का, स्टॉक प्राइस देखिए 250 में ही है, डिविडेंड यील्ड 9.50 का है और अर्निंग पर शेयर है 44 का, अर्निंग पर शेयर है 44 का। तो इसका जो बुक वैल्यू है 92 का है, 92 का है और स्टॉक प्राइस देखिए एक तरह से 3 गुना भी ऊपर की तरफ नहीं है। तो ये फाइनेंशियल नंबर है और शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं कोल इंडिया का जो ट्रेंड रहा है पिछले कुछ समय से। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं, पिछले 2-3 साल में जो ट्रेंड रहा है उसकी बात करते हैं और अभी तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए 207 था, 207 में ये लो है इसका और स्टॉक ऊपर की तरफ 245, 247 के ऊपर नहीं गया था, अब की बार ये 255 तक चला गया है। तो इससे पहले की बात करते हैं तो ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ पिछले साल था नवंबर के महीने में 255-260, तो 263 इसका हर्डल होगा, 263 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है। देखिए ये इससे पहले 2019 में ये 219 में था, उस समय ये डाउन ट्रेंड में था दोस्तों, काफ़ी नीचे की तरफ आ गया था, तो अब ये अप ट्रेंड है, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। 2022 में एक तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद फिर देखिए स्टॉक ने नीचे की तरफ ही कारोबार किया, अब एक तेज़ी देखने को मिल रही है, ज़्यादातर PSU कंपनियों में तेज़ी है। 263 को ये ब्रेक करता है, आगे की बात करते हैं, 263 को ये ब्रेक करता है, नेक्स्ट जो लेवल हो सकता है टेक्निकली इसका 292 का हो सकता है दोस्तों, 292 तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है जिस तरह की ये तेज़ी बनी है। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा ये स्ट्रेट लाइन बनी है, मीन्स एकदम से बढ़ गया है ये, और जिनके पास कम समय है, जिन्होंने लोअर लेवल पर अभी लिया है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए नीचे का, लगभग 241-240 का एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस बनाए रखिए। और जिनके पास कम समय है और जिनके पास समय है, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, डिविडेंड के लिए रखा है, तो कोई स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। और इसमें एक तेज़ी बनी है ऊपर की तरफ, देखिए थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि काफ़ी समय के बाद ये बढ़ रहा है, तो 263 इसके लिए अहम लेवल है, इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक हमको लगभग 290-300 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, इसके ऊपर भी ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों देखिए 290 और 300 के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है और नेक्स्ट जो लेवल हो सकता है इसमें लगभग 313 और नेक्स्ट जो लेवल 335, और ये जो प्राइस था 2016 का था दोस्तों, 2016 का, इससे पहले
स्टॉक में एक तरह से गिरावट देखने को मिली है, स्टॉक नीचे की तरफ आया रही है। काफ़ी ऊपर के लेवल पर अगर हम चार्ट को देखें, देखिए ये ऊपर की तरफ था 2016 से पहले, ये देखिए 400 के ऊपर था दोस्तों, 313 335 तक जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं। जब स्टॉक फिर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर बुल्स बायर्स और बहुत सारे रिकमेंडेशन आने लग जाते हैं, तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। आगे 3 से 6 महीना नतीजे अच्छे होंगे तो बड़ी तेज़ी भी आ सकती है। तो जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है डिविडेंड के लिए, तो स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और 255 में इस वक्त जिनके पास कम समय है तो उनको एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि उनको करना क्या है। दोस्तों यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए, इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।